हेलो दोस्तों, आरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के करंट अफेयर प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर 2019 का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बियांका एंड्रीस्क्यू, जो एक कन्नड़ाई वेल्स चैंपियन घोषित की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक देश ने चीन के वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने की घोषणा की है? जो संकेत है, वेटिंगटन सिटी इन देश में स्थित है। तो जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इटली ने चीन के वन बेल्ट वन रेड शामिल होने में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश डे सेविंग टाइम का पालन नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत जो है डे सेविंग टाइम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल या लोकपाल होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पिनाकी चंद्र घोष, जो है एक जस्टिस हैं। भारत सरकार को लोकपाल नियुक्त करने में 5 साल का समय लग गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस पद पर सेवानिवृत्त जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार कितने ग्रामीण परिवार अपने शौचालय से मलमूत्र के निपटान के लिए अनुशंसित ट्विन पिट प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 26% जो ग्रामीण लोग हैं शौचालय से मलमूत्र के निपटान के लिए अनुशंसित ट्विन पिट प्रणाली का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत जो है 2020 के अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसकी जो घोषणा है, फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटियो ने मियामी अमेरिका में परिषद की बैठक में बात की है। जो ये अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी के बाद दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट पर्सन, INS खंडेरी जो जल्दी भारत सेना में शामिल होने वाला है, जो क्या है? तो ये एक स्कॉर्पिन क्लास सबरमीन है, जो जिसे मई 2019 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। INS खंडेरी को 12 जनवरी 2017 को मुंबई के मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया था, तब से इसका परीक्षण और परीक्षण चल रहा है। नेक्स्ट पर्सन, चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन लिंग में से किस देश में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नैरोबी में संपन्न हुआ। इस सत्र का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित वैश्विक समस्याओं के निदान संबंधित उपाय पर चर्चा करना था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के चौथे सत्र का विषय था पर्यावरण की चुनौतियां तथा सतत उत्पादन खपत के लिए नवोन्मेषी समाधान। जो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में निम्न में से कौन सा संकल्प लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों हैं। तो सतत नाइट्रोजन प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक। भारत ने पहली बार चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में दो प्रमुख पर्यावरण मुद्दों, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर आधारित दो प्रस्तावों की अगुवाई की है। यह सभा 11 से 15 मार्च 2019 तक नैरोबी में आयोजित की गई थी। सभा ने सर्वसम्मति से दोनों प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने योनो कैश नामक कार्डलेस ATM निकासी शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए योनो बैंक नाम से एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना ATM से पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा देश भर में मौजूद SBI के 16,500 ATM में लागू होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।